मसूरी में शहर कांग्रेस के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मसूरी के किंग रेंज स्थित पेट्रोल पंप पर भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला का क्या कहना है। क्या ये देशव्यापी जो है आंदोलन है, और आंदोलन ही नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई के लिए पेट्रोल पदार्थ के दामों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है, जैसे लगने लगा है कि अब कोई एक अच्छा गहरा एक ने कहा कि भाई अब तो ऐसा हो गया कि ओपनर भी जो है 103 रन बना गया, मतलब 103 और 106 पर जो है पेट्रोल इस देश में बिक रहा है। इसी मसूरी में जो है 97 रुपए पर जा चुका है, डीजल जो है 90 पार कर चुका है, सरसों का तेल 200 से ऊपर जा चुका है, सोयाबीन का तेल 180 से ऊपर जा चुका है। ये समझो कि कमर तोड़ महंगाई, आम जन त्रस्त है, और त्रस्त होने के साथ साथ इस मोदी सरकार की नाकामी को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ इस आज तो पेट्रोल पंप पर है, पेट्रोल पंप के माध्यम से सजग करने का प्रयास किया जा रहा है जनता को। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।